और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई से सुलह होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, ऐसा कहना है मोनिस इलाही का। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ को मौका मिला, वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। जी अपडेट कीजिए। लंदन में मोनिस इलाही ने मुलाकात की गैर रस्मी सहाफियों के साथ, उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं माशी तौर पर जो सूरत हाल है वो मुल्क एक जगह पर रुक चुका है और मुल्क उसी सूरत में आगे बढ़ेगा जब पीटीआई के चेयरमैन से सुलह होगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को मौका मिला और उन्होंने और इसहाक डार ने अपने मकासद तो पूरे किए, तो हम मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बिजली के बिलों और महंगाई के हवाले से भी बातचीत करते हुए कहा कि अवाम की जिंदगी महंगाई ने अजीरन कर दी है और बड़ी मुश्किल से अवाम गुजारा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात अगर ताखीर से हुए तो मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान होने का खदशा है। जी ठीक है, चेयरमैन पीटीआई से सुलह होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, शहबाज शरीफ को मौका मिला, वो डिलीवर करने में नाकाम रहे, डार शहबाज अपने मकासद में कामयाब रहे, मईशत को नुकसान पहुंचाया, बिजली के बिलों और महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है।